सो गाइस अब हम जा रहे हैं कचियार एंड आप भी रेडी हो जाइए जाने के लिए। सो लेट्स गो। बोलो बोलो गाइस। सो गाइस अब हम कचियार पहुंच चुके हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस हम मैरी को लेके जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड। आज हमारी एरिया है स्विट्जरलैंड। अरे आपने सोचा था आप इतनी छोटी उम्र में स्विट्जरलैंड आओगे, वो भी मिनी स्विट्जरलैंड? हाँ वो मैंने सोचा था। ओके तो चलिए लेके चलते हैं आपको मिनी स्विट्जरलैंड। तो गाइज ये है मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि खजियार। तो ये चंबा की ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर जगह है। आप जब भी जाओ यहाँ पे ज़रूर जाओ और इमेजिन करो जब ये पूरी बर्फ़ की पहाड़ से ढकी होती तो ये कैसी लगती होगी। सो गाइज यहाँ पे ये लेक है, देख सकते हो फिश भी है। सो गाइज यहाँ पे ऐसे गोलगप्पे वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को और बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे। कितने क्यूट है वो छोटी छोटी। 30 रुपए लगेंगे। तो मैं फोटो थोड़ी नहीं खींच रही हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। वीडियो का 300 लगता है। मैं 10,000 दूंगी। दे दो हमारा ही फायदा ही चार रोज धरने का टीम और क्या। और क्या ये है 500 टू बंदों का 500। तो भी फोन कैसे पकड़ेगी ये? फोन कैसे पकड़ेगी? मेरी तो बनी हमें अर्थ में वापस भेजो। चलो तो पैर निकाल लो। फिर फोन पकड़ो बात। खींच देना भैया ने निकाल लो मेरे को बाहर। लो इसको पकड़ो। ओ गई वो। हमारे ग्रेट एक्सपीरियंस यार, मजा ही आ गया। उड़न खटोले में हम फंस चुके थे और ऐसे लग रहा था हम स्पेस में हैं, उल्टा घूम रहे थे। अब लग रहा अर्थ में वापस आ गए। अपना अर्थ ही अच्छा है, ऊपर नहीं जाना हमें। वही भैया निकालने और डालने का स्टाइल बड़ा। तो सोचा चंबा आए हैं तो चंबा की ट्रेडिशन ड्रेस तो ट्राई करनी ही चाहिए ना। तो देखिए मैं कैसी लग रही। ये है चंबा का आउटफिट।
ड्रेस पहनने के बाद ये चंबा का आउटफिट जो मैंने डाला है, उसके बाद अंकल ने मुझे ऐसे ऐसे पोज बताया ना, मैं अंकल से पूछती रही आपने कहाँ से सीखे, बट अंकल बहुत तेज थे, नहीं बताया। हेलो गाइस, तो कैसी लग रही हूँ मैं चंबा वाली आउटफिट में? अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट करो, नहीं करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंकल बहुत अच्छे पोज बता रहे हैं। अंकल आपने कहाँ से सीखे थे? अंकल आपने कहाँ से सीखे थे पोज बनाना? कहाँ से सीखे? मेरे से, मुझसे कब सीखे? आया आई आई कैमरा कॉन्शियस गर्ल। अब इनका फोटो शूट हो रहा है गाइस। चंबा का लड़का एंड चंबा की लड़की बन चुके हैं और अंकल अब इनको पोज बता रहे, कपल पोज। अंकल आपने पोज कहाँ से सीखे, आपने बताया नहीं अंकल। अंकल को एक्सपीरियंस है कपल पोज का। अंकल जब भी कभी खजियारा हो अंकल से फोटो शूट कराओ, अंकल बहुत अच्छे अच्छे पोज बता रहे हैं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, बेलपूरी खा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो गाइस अब हम इस टेंपल में आए हैं, जय जगदम्बे मंदिर, खजियार के पास ही है, थोड़ा ऊपर आके। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो खजियार से थोड़ी सी ऊपर आके 5 मिनट्स के रास्ते में ये है शिव जी का मंदिर। और वाओ, कितनी बड़ी शिव जी की ये है मूर्ति। ओ भाई, लवली व्यू। भगवान शिव की ये जो मूर्ति है ना, ये 81 फीट की है। ओ एम जी, लवली। सो गाइज, ये जगदम्बा माँ का टेंपल यहाँ पे, और जो आपने बाहर शिव जी की मूर्ति देखी है, ये देखिए कितनी सही है। सो गाइज, अब सच में आप फिर से ठंड बढ़ चुकी है और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। आप खजियारा हो तो आप भी एक तो व्यू बहुत सुंदर है यहाँ पे, और दूसरा आप लोग बहुत इंजॉय कर सकते हो, खाने पीने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। और बाकी आप आओ कभी भी तो प्लीज़ खजियार ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा। और या इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। और मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों बोला जाता है, ये स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगी, नहीं पता होगी तो गूगल सर्च करिए। और तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस।